और ये है दुधवा की खुली सड़कें। आप देख रहे हैं कितना साफ और सन्नाटा है, लगता नहीं है कोई यात्री मिलेगा। गाय मिली, गाय मिली। तो गाय ही तो है। मनैया। चंदू तो उस दिन नील गाय देखा था भाई। सो अभी हम आ चुके हैं दुधवा नेशनल पार्क में। यहाँ से कहाँ गए अपने बच्चे? अपने बच्चे मेहनत पे लगे हुए हैं, अपने बच्चे मेहनत कर रहे हैं काफ़ी। अब यहाँ से अपन लोग जाएंगे अंदर जंगल में, जंगल में देखते हैं क्या कर सकते हैं। उम्मीद है अच्छा जाएगा। सो अब हम लोग जा रहे हैं दुधवा नेशनल पार्क जंगल में अंदर। और सो फाइनली वी आर गोइंग इनटू द जंगल। लेट्स होप वी कैन फाइंड समथिंग। आपका नाम क्या है? हाँ जी, शिव कुमार। सो हियर वी गो इनटू द जंगल। फोटो लो यार। वो ले रहा है ना शिव, फोटो लो। अपनी तो ले ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भैया अभी इंतजार की घड़ियां चल रही हैं। बस सर वहीं के सारे। तुम मेरी बनाना फिर हमको देना, मतलब तुम वीडियो बनाओ। चंदुक दे दो, चंदुक वीडियो। चंदुक कोई ना बना सर जी, तुम मेरी बनाना। जंगल तो मैं खींच रहा हूँ। और भैया भैया कितनी देर की राइड होती है? अच्छा 5:30 बजे वापस हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए कोई जंगल में अगर फंस गया। ऐसा क्यों मान लीजिए? नहीं ऐसे क्यों मान लीजिए? जैसे कोई अपनी गाड़ी अभी मैंने वहाँ रिसेप्शन। अच्छा वीडियो चक्कर में हम देख नहीं पाएंगे कुछ चीज। सो नाउ वी आर, नहीं वीडियो चल रहा है। सो नाउ वी आर एंड इनटू द जंगल एंड लेट्स होप वी कैन फाइंड समथिंग लाइक टाइगर, लाइक बियर। सर फोटो अगर कहीं शेर दिख रहा है तो फोटो क्लिक कर लेते तुरंत। तो वीडियो है, वीडियो बन रहा हो जाएगा, हो जाएगा, क्लिक कर देगा कैमरा पे जाके। अच्छा कभी भैया ऐसा गाइड भैया ऐसा हो आप फंसे हो इस जंगल में बार-बार भाई रात में? हाँ अच्छा आपकी अपनी गाड़ी है प्राइवेट। अच्छा अच्छा जी अच्छा अच्छा आप और कोई क्वेरी इसके रिगार्डिंग? अच्छा और आदमी कुछ कार अभी जो बलेरा गांव में घुसा था आपने पढ़ा होगा न्यूज में पढ़ा होगा। अच्छा 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 तो खटिया में घुस गया था एक लड़का गया और अकेले जाके उसके मुंह से छीन के ले आया। अच्छा टाइगर अगर अभी वैसे ही हमने ना वहाँ मजरा में देखा था, मजरा में रात में एक दिन में दो दो शेर दिखे। मजरा जंगल उधर पड़ता है। अच्छा अच्छा अभी अभी हमने एक हिरन देखा है। सर ये लीजिए आपका यात्रा है। हाँ अरे ये तो बोलना चाहिए आप शाह आप हमको डरा रहे हैं। नहीं देखे फॉर्म भर के आए हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने फॉर्म पे साइन किया है। हाँ जंगल है, जंगल में डर तो लगेगा ही जानवर है। नहीं वो तो हाई है, नियम बने रूल्स बने हमारे आपके लिए उनके लिए कुछ नहीं। नहीं तो वो हाँ, तो नहीं, नहीं हम सारे नियम कानून रेंज में ना रामपुर वाले रेंज में जंगली हाथी बहुत परेशान करते हैं। एक दो बार उन्होंने क्या किया पूरी मतलब सफारी कुएं में फंसा के फेंक था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एलिफेंट का झुंड मिल गया तो उसमें से जो कर
सही आपने बताया, यहाँ भैया बता रहे हैं कि जंगल तो जंगल है, ये तो नहीं। अपन ने लोगों ने दो हिरन देख लिए हैं, तो अपन लोग की बोनी हो चुकी है। अजित भाई पीछे देखो, ये अपने चंद्र सिंह हैं। तो अभी भैया ने हमको काफी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जंगल के बारे में। तो इनकी लीला में होती होगी? नहीं, कुछ नहीं होता, ये यहीं सड़ जाएंगे, इनको कीमत खाएगी। नेचर में कभी फूड चेन बनी उसी पे पूरा नेचर जो है, पर्यावरण टिका हुआ है। जैसे नेचर का जब बैलेंस डिसबैलेंस होता है, अभी प्राकृतिक आपदा है, जंगल की आबादी को कुछ तो राइट होगा कि यहाँ जंगल से थोड़ी बहुत लकड़ियाँ या वो सर बफर एरिया दिया गया, बफर एरिया जहाँ वो नहीं आता। मेरे हिसाब से एक जैसे सेफ जोन बनाया होगा शायद, जो एकदम सेफ जोन होगा वहाँ पे कोई नहीं आता होगा। मतलब इंसानों में या एनिमल? नहीं, एनिमल में। एनिमल तो कहीं भी नहीं, जैसे एनिमल में जैसे हाथी कुछ जाता है, टाइगर, लेपर्ड, टाइगर नहीं, लेपर्ड तो चला ही जाता है। अच्छा, रात में कई बार जो वहाँ का वॉचमैन मजा लेते हैं, वीडियो बनाएंगे, वीडियो तो बनेगा ही। पता नहीं वीडियो बनाया और शेर आया यहीं से हाथ उठा के ले जाके चलो हो गया। और ये शाखा प्रबंधक, अच्छा तो बाउंड्री वाले जो गेट है जहाँ से एंटर हुए हैं, अच्छा अक्सर वहीं पे स्पॉटेड एरिया वाइल्ड बोर्ड, जहाँ पे बाहर की जो पार्किंग है, एक सीमेंटेड डस्टबिन बनी हुई है आपने देखा होगा, उसके पास झाड़ी है, झाड़ी में स्पॉटेड डियर को भी किल किया था टाइगर ने और वाइल्ड बोर्ड को भी किल किया। अच्छा जी, अंधेला होने पे वही हाँ है तो नहीं, वो तो है ही। थाईलैंड में देखा है कुछ टाइगर ठहरते हैं और वो भी बड़े टाइगर। हाँ हाँ, नहीं वो अंदर नहीं, हाँ हाँ झोला कहीं रहा है, वो झोला था ना झोले में था, लेकिन वो आदम हो नहीं है। आप उनके बगल में बैठ के फोटो खिंचा सकते हो, अंदर है इतना बड़ा एरिया है कि एक सारी रूट धमाको नहीं मेन एरिया। अच्छा, तो मेन मतलब सारा घूमने के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा? जी जी, लोग रुकते हैं यहाँ पे, जो व्यू पॉइंट होगा उसको हिसाब से घुमा रहे हैं। जैसे समझ लीजिए कोई पहली बार आया तो उसकी पहली विजिट में क्या क्या देखा उन्होंने, देखे बारहसिंगा देखे जो भी दिखा। अच्छा, बना ली ये चीज हमने देख ली, पहले रूट में हमको दिखा है एक मगरमच्छ और एक हिरन। अच्छा, वो हिरन बारहसिंगा में था या नॉर्मल चीतल? अच्छा, क्या हम लोग के आने से जैसे जो हम लोग आदमी लोग अंदर आते हैं उससे भी कोई प्रभाव पड़ा है इस पे? जी तो हमारे नजरिए में ये है जी, पे भी वाइल्ड लाइफ दिखा, तो क्या है कि टाइगर है जी, मान लीजिए टाइगर है, अब वो ट्रैक पे चलना चाह रहा है, मान लीजिए उसने शिकार किया है, डाइजेस्ट करना चाह रहा है जी, तो डाइजेस्ट करने के लिए उसको वॉक करना पड़ेगा। अच्छा, अब वो वॉक कर रहा है, वॉक करते हुए आ रहा है, लेकिन हम पहुँच जाते हैं सामने, हाँ तो डिस्टर्ब नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम डिस्टर्ब करते हैं वाइल्ड लाइफ। हाँ हाँ, नहीं ये तो वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, ये तो है। अब उसका मन है ट्रैक पे चलना, बैठ जाओ। मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हैं या आप टहलना चाह रहे हैं और आपको कोई रास्ते में मिल जाए एनिमल, हाँ आपको कहीं आगे तक जाना था, कैंटीन थी, चाय पीने का मूड था कि सुबह घर से निकले वॉक करते हुए कैंटीन में चाय पियेंगे और आगे कोई एनिमल मिल जाए, टाइगर एनिमल को तो डिस्टर्ब करता ही। सो अभी हम लोग जंगल में हैं,
जंगल में भी एक गाड़ी पास हो रही है दुधवा की, बट काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, इट्स गुड टू बी है। बहुत ही बेहतरीन रोड है, जब ये सबसे अच्छा सफ़र लगता है, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा बनाया। जिसका कैफरी एकदम गंदी हो चुकी है यार, व्हाइट शर्ट आज बेकार, व्हाइट शर्ट बेकार बन गया था, गंदी हो गई पीछे। अरे हमें लगा अच्छा पूजा आएगा, व्हाइट शर्ट पहन के चलते हैं। सो फाइनली अपना अपन लोग आ गए हैं वापस, पर काफी अच्छा ठंडा रहा, जानवर तो चलिए उतने नहीं दिखे, जानवर मेरे हिसाब से तब दिखेगा जब दो चार दिन हम लोग यहाँ पे रुके।